अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स, ये दोनों क्या होते हैं। अगर कोई दो सेट्स दिए गए हो ए और बी, ठीक है, अगर ए के और बी के मेंबर्स में से एक भी कॉमन ना हो एलिमेंट, तो हम कहेंगे कि ए और बी जो होंगे डिसजॉइंट सेट होंगे, ठीक है। और ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, वो सेट्स होते हैं जिनमें कम से कम एक मेंबर सेम हो और ना ही ए बी का मतलब प्रॉपर सबसेट हो ना बी ए का प्रॉपर सबसेट हो, यानी दोनों एक दूसरे के सबसेट ना हो, सेम एलिमेंट्स हों, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी है, चले हम इसको भी सही समझते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट, देन ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स। अगर दो सेट्स हैं ए और बी, वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, मतलब उनमें कोई भी वो सेट्स जो नल सेट ना हो, ना ए हो ना बी हो, ठीक है, मतलब कोई ना कोई उनमें मेंबर्स मौजूद हो, तो अगर उनको हम ए इंटरसेक्शन बी करें और आंसर हमारा नल सेट आए, तो हम कहेंगे कि जो ए और बी होगा वो क्या होगा, वो क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं, ए इक्वल टू 1, 2, 3 सेट और बी सेट है जिसमें 5, 6, 7, 8 मेंबर हैं। अब देखें इन दोनों के का कोई भी एलिमेंट सेम है, इसमें 1, 2, 3, 4 है, इसमें 5, 6, 7, 8 है, 5, 6, 7 है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कामन नहीं, तो हम इनका इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, नल सेट निकलेगा। हमने पिछले लेक्चर में इंटरसेक्शन के बारे में समझा था। अब हम चलते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी आर बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए बट दे हैव फ्यू कॉमन एलिमेंट्स दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू नल सेट, देन ए एंड बी आर नॉन एज ओवरलैपिंग सेट्स। दो सेट्स हों ए और बी और वो दोनों नॉन एम्प्टी हों, ठीक है, और ए बी का भी सबसेट ना हो, ना ही बी ए का सबसेट हो, ठीक है, ना ही ए के एलिमेंट्स बी में टोटल मौजूद हों, ना ही बी के टोटल एलिमेंट्स ए में मौजूद हों, बट उनमें क्या हो, कुछ एलिमेंट्स जो हों वो सेम हों, कॉमन हों, ठीक है, और जब हम उनको इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो ए और बी हैं वो दोनों क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब एग्जांपल में देखते हैं, इफ़ ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 बी इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9, ठीक है, इन दोनों सेट्स में जो मेंबर्स हैं, देखें क्या इसके टोटल मेंबर्स इस बी सेट में मौजूद हैं, नहीं है, क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4 है, इसमें 1, 2, 3, 1, 2 मौजूद नहीं है। क्या ये बी सेट के टोटल मेंबर्स इस ए में मौजूद हैं, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 तक है और यहाँ 7, 9 है, या 6, 7, 9 है, यहाँ पर 6, 7, 9 मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इनका मतलब है कुछ एलिमेंट्स सेम हैं, देखें कौन से मेंबर सेम हैं, 3 और 4 मेंबर, 3 और 4 जो हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों सेट जो हैं ए और बी, ये दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं, ठीक है, बिकॉज ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए सबसेट नहीं है बी के और ना ही बी सबसेट है ए के, बट जब हम इनको इंटरसेक्शन करेंगे इन दोनों की, तो कौन सा आंसर आएगा, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 5, तो आंसर हमारा आएगा 3, 4, 5। तो क्या ये जो सेट है ये क्या नल सेट के इक्वल है, नहीं है, तो ये नल सेट के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ए और बी जो हैं ये दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं। तमाम इजी टॉपिक्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स, कोई दो सेट्स होते हैं
दो या तीन सेट्स को भी हम कह सकते हैं। अगर उन दो और तीन सेट्स को जब हम इंटरसेक्ट करें तो उनका जो आंसर निकले वो नल सेट के इक्वल आए, तो हम कहेंगे कि ये जो सेट्स हैं वो क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। और हमने ओवरलैपिंग सेट्स क्या सीखा, क्या होता है कि ओवरलैपिंग सेट्स वो सेट होते हैं जब हम उनको इंटरसेक्ट करें तो वो इक्वल टू नल सेट के ना आए। और ये भी डेफिनेशन उसमें थी कि ओवरलैपिंग सेट्स जो होने चाहिए, ना ही ए बी का सबसेट होना चाहिए ना ही बी ए का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ एलिमेंट्स हो, एक दो तीन, मतलब कि कुछ एलिमेंट्स हो जो सेम हो। देखें हम दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखें हमने पढ़ा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के टोटल मेंबर सेट ऑफ होल नंबर्स में है, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, सेट ऑफ होल नंबर का सबसेट है। तो क्या हम इन दोनों को ओवरलैपिंग सेट्स कहेंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सबसेट है सेट ऑफ होल नंबर्स के। तो हमने ओवरलैपिंग के बारे में ये सीखा कि ना ही ए बी का सबसेट हो ना ही बी ए का सबसेट हो, ठीक है। डिसजॉइंट में क्या कंडीशन थी कि दोनों सेट्स में एक भी मेंबर कॉमन ना हो, ठीक है, एक भी मेंबर कॉमन ना हो। जैसे कि सेट ऑफ इवन नंबर्स है, ठीक है, और सेट ऑफ ऑड नंबर्स है। क्या सेट ऑफ इवन नंबर्स के एक भी मेंबर सेट ऑफ ऑड नंबर्स में मौजूद है, एक भी एलिमेंट में मौजूद नहीं। क्या ऑड नंबर का कोई इवन में मौजूद है, एक भी नहीं। तो हम सेट ऑफ इवन और सेट ऑफ ऑड नंबर्स को क्या कहेंगे कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट में एक भी मेंबर कॉमन नहीं होता, और एलिमेंट ओवरलैपिंग सेट्स में कम से कम एक जो मेंबर हो वो कॉमन हो, तभी हम कहेंगे कि वो दोनों सेट्स जो हैं ओवरलैपिंग हैं। और इसके अलावा ना ही ए बी का सबसेट हो ना ही बी ए का सबसेट हो, ठीक है। हमने ये एग्जांपल्स को भी समझा और डेफिनेशन को भी समझा, ठीक है।